जनपद में 4 मई से 18 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड पखवाड़े का बुधवार को जिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नई बाजार के रहने वाले 62 वर्षीय अमरजीत यादव के आयुष्मान भारत के कार्ड को वेरीफाई कर योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से देश परिवार आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड बनवा लें। 4 मई से 18 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 1500 से ज्यादा बीमारियों के लिए 5 लाख वार्षिक प्रतिपूर्ति के लिए शासन ने आयुष्मान योजना का शुरुआत 2018 में किया था। उन्होंने निर्देशित किया कि जितने भी लोग सूची में हैं, जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनाया जाए ताकि योजना का लाभ लोगों को मिल सके, तथा हर एक कोटेदार के दुकान से राशन वितरण के दौरान शिविर लगाया जाएगा, जिससे BLI कंप्यूटर के साथ उपलब्ध रहेंगे। 5 मिनट के भीतर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तथा यह व्यवस्था निशुल्क दी जाएगी। वही सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में योजना के करीब 4,48,000 लाभार्थी परिवारों के करीब 20 लाख लाभार्थी योजना से आच्छादित है। जिले में लगभग 5,10,000 लाभार्थियों के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि कार्ड से पहले उपलब्ध होने पर गंभीर परिस्थितियों में इलाज करवाने के दौरान लाभार्थी का कीमती समय बचता है। कार्ड होने पर आरोग्य मित्र वेरीफाई कर मरीज का तुरंत इलाज शुरू करवा देते हैं। योजना के लाभार्थी अपना आरोग्य कार्ड किसी भी जन सूचना केंद्र, योजना में आच्छादित निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में निःशुल्क बनवा सकते हैं। मरीजों को इलाज में सहूलियत देने के मकसद से कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, DPC डॉक्टर संचिता मल, जिला सूचना तंत्र प्रबंधक शशांक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे और जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड लेके आए तो इसलिए उनका नाम, उनका फोन नंबर तो होगा, फोन नंबर मांगा। हाँ सर, फोन नंबर 93, इसमें सर ये डिटेल्स हैं, हम इनका फोन नंबर से, राशन कार्ड से, ऐसे चाहे आधार नंबर डालेंगे 7 9 9 5 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
चार पाँच छः पंखा हटा लिया सर, इस पे से चेक किया तो उनका डिटेल नहीं, मतलब ये लाभार्थी अब नहीं है। अच्छा, तो अब कैसे करोगे कि ये पीछे सत्तासी बारह बाईस कोशिला देवी अर्चना ये हैं आपके परिवार में? जी सर, आप ही के परिवार के नहीं हैं। और लड़की है, बेटी है और हमारी पत्नी। कोशिला जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक ये पेशेंट है, आईसी हुआ है, कार्ड सर दे दीजिए। हाँ भैया, आप सरकारी अस्पताल के अलावा ये जो है 93 सरकारी प्राइवेट अस्पताल है, गोरखपुर में 93 प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें तुम अपना इलाज करा सकती हो, और साथ में 23 हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां इलाज करा सकती हो। और ये तुम्हारा कार्ड है, साल भर में 5 लाख रुपए तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा। एक साल जैसे खत्म होगा जनवरी के महीने से, फिर सरकार इसमें 5 लाख रुपए बराबर कर देगी, तो हर साल 5 लाख रुपए का तुम इलाज करा सकती हो, ठीक है। और इसमें बेटा करीब 1500 से ज़्यादा बीमारियाँ कवर होती हैं, कुछ करना नहीं होगा तुम्हें। जहाँ सरकारी अस्पताल में कराना, यहाँ लेके कार्ड जाओगी करेंगे और तुम्हारा ये सर इधर देख लीजिए ऑनलाइन भरना पड़ता है। आयुष्मान पखवाड़ा जो है आज से लेकर के 18 तारीख तक हमारे यहाँ बनाया जाएगा, और जनपद में हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर्स हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, गांव-गांव में राशन कोटेदारों के यहाँ जितने भी जो है हमारे जो है बीएलईज हैं, इनके माध्यम से बनाया जाएगा। और इसके तहत लगभग जो है हमारे पास 4,80,000 घर हैं, 20 लाख के करीब लाभार्थी हैं, जिसमें से 5 लाख गोल्डन कार्ड हम बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्ड बनाएं, जिससे कि हमारा
जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है इसका लोग लाभ उठा सकें। और इसी सिलसिले में जो है गांव-गांव में क्षेत्र में चारों तरफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज जिला अस्पताल में हमने स्वयं शुभारम्भ किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। हर जगह हम लोग इसका बृहद प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्ड बनवा रहे हैं। सर अपील क्या करना चाहूँगा? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है जहाँ पर भी हमारा ये कार्ड बन रहा है, जो सरकार ने नए अंत्योदय कार्ड धारकों को या जो श्रमिकों को जिन लोगों को और जोड़ा है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपना गोल्डन कार्ड बनवाएं, जिसे हम लोग अब आयुष्मान कार्ड कहते हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क बनता है। सरकार द्वारा इस कार्ड को बनाने में कोई शुल्क नहीं लिया जाता और इसके द्वारा जो है जो गुणवत्तापूर्ण उपचार जो है हमारे जो शहर के राज्य चिकित्सालयों में और जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएँ। हाँ, जैसे आप अवगत हैं कि 1500 से ज़्यादा बीमारियों के लिए 5 लाख तक वार्षिक प्रतिपूर्ति के लिए शासन ने आयुष्मान योजना का शुरुआत 2018 में किया था। हमारे जनपद में अभी 5.5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें आच्छादित हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि अंत्योदय कार्ड धारक और SECC सूची में जितने भी लोग हैं उन सभी को 100% उसमें आच्छादित किया जाए ताकि इतनी अच्छी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। इसके लिए ये 2 हफ्ते का पखवाड़ा दोबारा शुरू किया गया है और इसमें हम लोग हर एक कोटेदार की दुकान पर वितरण के दौरान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें हमारे VLEs जो कंप्यूटर के साथ उपलब्ध रहेंगे वहाँ 5 मिनट के भीतर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, उनके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। बस एक आधार नंबर के साथ लाभार्थियों को पेश होना है और सुगमता पूर्वक व्यवस्था करना है। निःशुल्क वहाँ पे आपको आच्छादन के लिए व्यवस्था दी जाएगी। इसकी सतत मॉनिटरिंग यहाँ कंट्रोल रूम से हो रही है। हम चाहते हैं कि इस अभियान में अग्रणी गोरखपुर जनपद रहे और इसके लिए सभी का सहयोग निवेदित है।